नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्टिक मन स्पर्श पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और मैं तो उस गांव के वासी हूँ जिस गांव में गंगा बहती है। तो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आज आप लोगों को गंगा मैया का दर्शन कराऊंगी। पिछली बार भी कराई थी, लेकिन हमारे बच्चे नहीं थे इसलिए हम लोग मस्ती नहीं कर पाए। इस बार हम मस्ती भी करेंगे, धमाल भी करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे ब्लॉग के साथ, और देखते रहिए आर्टिस्टिक मन स्पर्श। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर चंदि हर नाग विबुध बंदिनी, जय झलमवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर चंदि हर नाग विबुध बंदिनी, जय झलमवालिका। सरोजराशीष शीश पर विभा, विष्णु पद सरोजराशीष शीश पर विभा, त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप झालिका। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप झालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर चंदि हर नाग विबुध बंदिनी, जय जहन बालिका। विमल विपुलवा शिवारी शीतल त्रैतापहार, भावर वर विहंग तर तरंग मालिका। भावर वर विहंग तर तरंग मालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी, जय जहन मालिका। जनों पूजो पहार शोभित शशि धवल धार, पुरजनों पूजो पहार शोभित शशि धवल धार, अंजन भव भार। दोस्तों, विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक शहर है वाराणसी, और ये है गोदौलिया चौराहा, जहाँ से बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, और माँ गंगा जी का भी दर्शन करने के लिए यहीं से रास्ता है। हम सबसे पहले विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, और आपको बता दें कि रास्ते में कई एजेंट्स मिलते हैं, लेकिन आप एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। सीधे गेट नंबर 4 पे जाइए, वहाँ पे अपने सामान रखिए और पैसे लेके दर्शन करके वापस वहाँ से सामान ले लीजिए। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है, लेकिन मोबाइल नहीं ले जा सकते इसलिए हम आपको रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखा पाएंगे। हम दर्शन कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमारे बच्चे मलाइयों मिस किए थे, तो इस बार हम वो सारी चीज़ें खिलाएंगे जो ये मिस किए हैं लास्ट वीडियो में। हेलो, यहाँ का फेवरेट मलाइयो ये है प्रिया जायसवाल। दोस्तों, ये है गोदौलिया मार्केट, और यहाँ पे साड़ियों का और कॉस्मेटिक्स का बड़ा बिजनेस होता है। हम अपने घर पे जब भी कोई फंक्शन होता है, चाहे शादी होता है, तो हम यहीं से अपनी शॉपिंग करते हैं। और आप आए और बनारस में साड़ी ना खरीदे तो कुछ फीका सा लगता है। मेरा भी तो मन मचल रहा है साड़ी खरीदने का, तो मैं ज़रूर साड़ी खरीदूँगी। फोटो नहीं खींच रहे अच्छा। जो प्राइस है वेस्टर्न डिजाइन है, कोलकाता की या ये आपको मुंबई के हर तरह से कर लो। तो ये देखिए, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे कलेक्शन है। और आने वाले
इनका खुशी तो देखिए, इन्होंने इयर रिंग पहने हैं, वही शॉप से खरीदा हमने इनके लिए इयर रिंग। यहाँ का मार्केट दिखाते दिखाते हम आपको गंगा जी तक ले चलेंगे। दोस्तों, यहाँ के हर एक घाट की अपनी अलग विशेषता है और हम हैं यहाँ दशाश्वमेध घाट पे और यहीं से हम बोट के थ्रू अलग अलग घाटों तक जाएंगे। आइए देखते हैं बोट वाला हमसे कितना प्राइस लेता है अलग अलग घाटों तक जाने का। ये मेरी फ्रेंड प्रिया है जो बोट वाले से बार्गेनिंग कर रही है और बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये मानने वाला है। दोस्तों, इन्होंने हमसे 50 रुपीज़ पर हेड लिए इस पार से उस पार का चार्ज, और तीन घाट को माने का इन्होंने हमसे 150 यानी 150 पर हेड चार्ज लिए। हमें तो बड़ा कॉस्टली लग रहा था, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल कम करने को तैयार नहीं थे, तो हम रेडी हो गए बोट पे बैठने के लिए। यही गिरेगी मेन। पहले मिस्त्री 300 लेता रहा, अभी खड़े लेता 1 दिन का। लेकिन बहुत ही लोग का रेट बढ़ गया। जब तक भरा नहीं है बोर्ड, तब तक हम क्या करते हैं एज अ आर्टिस्ट, हमें रिकॉर्डिंग कर लेना है। और मैं ये कैनवास लेके आई हूँ, साथ में ब्रश लेके आई हूँ और गंगा जी का ये पानी बहुत नीचे है, ये गंगा जी का पानी। और यहाँ पे मैं घाट पे ही अच्छा सा आपके सामने करके दिखाऊंगी, कितना बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बंद करो। और ये मेरे भैया ने ब्रशेस दिए हैं, इसी को मैं करने वाली हूँ। मम्मी तीन तीन नीचे हैं। बहुत कमाल के ब्रश, गिराना मत बस। एक्चुअली आई एम लकी टू हैव। दोस्तों, हमारी बोट चल चुकी है और हम सबसे पहले केदार घाट जा रहे हैं, जहाँ पे बाबा केदारनाथ जी का हम दर्शन करेंगे और उस घाट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए अद्भुत अविस्मरणीय नज़ारा है आपके सामने। जैसे ही कबूतरों को दाना दिया जा रहा है, सब एक झुंड में इकट्ठे हो जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
दोस्तों ये रास्ते में हरिश्चंद्र घाट है, ये राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है, वही सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा जिन्होंने अपने पुत्र के शवदाह के लिए अपनी पत्नी तारा से कर मांगा था। यहाँ पर कई शवदहन की प्रक्रिया चल रही थी इसलिए हम यहाँ नहीं रुके और आगे बढ़ गए केदार घाट की तरफ। दोस्तों ये है केदार घाट, हम लोग यहाँ पे उतर के थोड़ा सा मस्ती करेंगे। ये ऊंचे सीढ़ियों पे केदारनाथ जी का लिंग है जहाँ पे हम दर्शन करने जाएंगे। सिक्किम गई थी तो इतना ही चढ़ती थी, इससे डबल डबल। हम नीचे जा रहे, तुम लोग को फोटो खींचते हैं यहाँ से। दोस्तों हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर वही केदारनाथ जी का लिंग है जो कि केदारनाथ धाम में स्थित है, तो हमें दर्शन प्राप्ति का अवसर मिला। बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे खुश हैं तो हम भी बहुत खुश हैं। सुनो हम लोग इस गली से आते हैं तो सीढ़ी इतना नहीं मिलता है, तो वो अंदर से दोस्तों हमारी बोट यहाँ से निकल चुकी है और ये मैडम प्रिया का मस्ती देखिए। हम दोनों लोग साथ में JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में 4 साल पढ़े हैं, हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है और अगर आपको JNV के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम डिटेल्स पूरा बताएंगे। ठीक है, उस 25 नॉट आउट। अब हम मणिकर्णिका घाट पर पहुंच चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती का कर्ण फूल यहाँ के कुंड में पड़ गया था और भगवान शंकर ने उसे ढूंढने का कार्य किया था, जिस वजह से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। ये ललिता घाट है जहाँ से विश्वनाथ कॉरिडोर का मुख्य द्वार बन रहा है अभी, ये देखिए निर्माणाधीन है। अब हम लोग वापस मेरा है मेरे पास, मैंने अपना पर्स में रखा है और वहाँ से हम लोग उस पार दूसरे वाले बोट पे हम लोग आके बैठ गए हैं, कैबिन राइडिंग करेंगे। अब तो सीधे दीजिए। देख लो आप लोग, हम लोग ऐसा लग रहा है कि आप राजस्थान में चले आए हैं, बनारस में रह के राजस्थान का दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहना। और बच्चे हमारे अब कैमल राइडिंग करेंगे। आइए मैडम, आइए।
मैं बैठ जाती तो रिकॉर्डिंग कौन करता, इसलिए नहीं बैठे। अच्छा पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं 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 मैं नहीं बैठूंगी, देख के डर लग रहा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में ये लोग पहुंच गए हैं। अब आप बनारस आए तो राजस्थान जाने का जरूरत नहीं है। घाट के इस पार आके आप कैमल राइडिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये कैमल वाला हमसे 50 रुपीस पर हेड लिया। देखिए वो लोग इतने दूर हैं, वापस आ रहे हैं। मैं नहीं बैठी भाई। पिछली बार ना गंगा जी के 20 धारा में पहुंची तो करी मामा कूद जाए। तुम्हें जी करोगी तो हाँ चलो रेडी मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? तुमको मजा आया? तुमको मजा आया? बहुत मजा आया। वो रेडी बोले खूब मस्ती हो रहा है ना। मानसी तुमने कितना एंजॉय किया? बहुत। आप लोग सब बताइए। आप सब लोग आर्टिस्टिक मन स्पर्श को सब्सक्राइब करो। बुला तो लेते जरा। बनारस आए और वीकेंड पे जहाँ भी हम अपने बच्चों के साथ जरूर इंजॉय करें। बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और कुछ चेंज भी मिल जाता है और बड़ा मज़ा आता है। गंगा जी में डुबकी लगा के आप लोग दिखाओ, हनी दिखाओ इधर पीछे। यहाँ पे चेंजिंग के लिए भी जगह व्यवस्था है। आप लोग नहा के यहाँ पे औरतें महिलाएँ चाहे बड़े लोग आराम से चेंजिंग कर सकते हैं, सेफ है। फोटो खींचना है ना। राजस्थान का सैर करने के बाद हम केरला का सैर कर रहे हैं। ये दो हुआ, हाँ। नहीं नहीं दो हुआ। दोस्तों ये है गोदौलिया मार्केट और ये स्टार्टिंग में सारे पूजा की सामग्री आपको यहाँ मिलेंगी। अब इतना घूमने के बाद गजब का भूख लगा था हम लोग को, तो हम लगा गए कचौड़ियाँ खाने। पिछली बार बच्चे हमारे बहुत मिस कर रहे थे। भूख लगी है ना, तो क्या खा रही हो? कैसा लग रहा है? तो हम हैं ये सुविधा साड़ी पे, जहाँ पे हम चल रहे हैं साड़ी खरीद। दोस्तों आप ये देख लीजिए, यहाँ का ये मार्केट है। रिजनेबल प्राइस में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और आप लोगों ने क्या ख़रीदा? ये इसके सामान खरीद लिए हैं और अब हम लोग थक गए हैं और इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर। चलो बाय बाय करो गोदौलिया, बाय बाय।
ये यहाँ का गोदौलिया मार्केट है। प्रिया बाय बोल दो।